अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस कुछ हुए थे इंस्टाग्राम पे, डीएम डायरेक्ट मैसेज के ज़रिए मुझे पहुँचे। उसमें लोग यही सवालात पूछते हैं कि जी बैकलिंक्स हम लोग बना तो लेते हैं, मगर इंडेक्स कैसे करें इनको। मतलब इन हम चाहते हैं कि हम लोग बैकलिंक्स बनाएँ और वो विद इन 24 आवर्स इंडेक्स हो जाएँ, तो उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस तरह कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि गूगल ने काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं जिसके ज़रिए अब इंडेक्सिंग काफ़ी स्लो हो चुकी है। तो अगर एक बंदा दिन में 10 बैकलिंक्स बनाता है तो एक वीक में उसका एटलीस्ट 4 से 5 बैकलिंक्स इंडेक्स होते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। तो कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप तेज़ इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जो कि नेचुरल कंसीडर तो करते हैं मगर उनको ज़्यादा यूज़ किया जाए तब भी नुकसान दें। आज मैं आपको कुछ इंडेक्स करने के मेथड बताऊंगा, इनको थोड़ा यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं, तो इंशाल्लाह आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। सबसे पहले वेबसाइट है जी pingomatic.com पे आप गए। इसमें मेरे पास पहले से एक वेबसाइट मेरी पड़ी हुई है, ठीक है। इसमें मैंने टाइटल ऐड करना है और उसका लिंक ऐड करना है और इन सब को मैंने टिक कर लेना है, ठीक है। इस पहले से टिक है, सेंड करेंगे पिंग को, थोड़ा सा टाइम ये लेगा और आपको एक ईमेल भी कर देगा कि आपके वेबसाइट्स को पिंग किया गया या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास साइट है pinglr.com। करता ये है कि आप इसके ज़रिए वेबसाइट्स को पिंग करवा सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिखा, यहाँ मेरे पास कीवर्ड मेरे पहले से मेरे हिस्ट्री में सेफ है, मैंने वो किया, टाइटल ऐड किया और यहाँ से URL। आपने भी अपना फोकस कीवर्ड इस तरह ऐड करके आपने साथ साथ ही उसका लिंक ऐड कर देना, ठीक है। मैं पहले ज़रा अपना फोकस कीवर्ड निकाल लूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मैं कह देता हूँ जी, कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मेरी नीच जो है वो माइक्रो नीच है, वो एक गेमिंग्स पे है, गेमिंग प्रोडक्ट्स पे है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, गेम्स एंड टॉयज़ भी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ क्लिक कर दिया। अच्छा, 3 से ज़्यादा आपने क्लिक नहीं करना, 3 से ज़्यादा ये आपका स्पैम कंसीडर करेगा, तो उसको फिर आपने पिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका पिंगोमैटिक है, यहाँ से इसने फीड जो है वो सेंड करती हैं, पिंग कर दिए सेंड इन 4 वेबसाइट्स को। यहाँ से आपका ये पिंग करने का यहाँ से टाइम भी आपको सेंड कर रहा है। यहाँ आप बस एक वे है कि आप यहाँ अपना ईमेल एड्रेस दें और ये आपको सेंड कर देगा रिपोर्ट। तो हम यहाँ अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं और हम कहते देंगे इसको कि हमें सेंड करते रिपोर्ट जब ये सारा सबको पिंग करते। थैंक यू फॉर यूजिंग आर फ्री पिंग सर्विस, यू विल रिसीव एन ईमेल रिपोर्ट वंस द प्रोसेस इज डन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वेबसाइट स्मॉल SEO टू पिंग। ये भी एक बहुत अच्छी टूल है, ये काफ़ी मशहूर भी है, स्मॉल SEO टूल्स। 10 आप लिंक्स यहाँ ऐड कर लें। मैंने यहाँ पहले से रखे हुए लिंक्स निकाल के, एक मिनट जी। अच्छा, यहाँ से हमने पहले से लिंक निकाल के रखे हुए 10 करने, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अच्छा जी, ये हमने उठा लिया। उसके बाद हमने इसको डालना है अपने पिंग लिस्ट में, यहाँ ऐड कर दिया। अब यहाँ से हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मैं कह देता हूँ जी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स पिंग। अब आपको जितनी डिफरेंट कैटेगरीज में इसको ऐड करना है, आपने बार बार यहाँ से डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और इन सब लिंक्स को ऐड करना है, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ से ले लूँगा
कॉपी किया। पहले मैंने इसको कॉपी किया, उसके बाद मैंने फिर कॉपी किया, इनको कॉपी किया। ये देखिए ये पिंग हो रहा है, ठीक है, इनको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए ये सक्सेसफुली ये इसको ऐड कर रहा है इसको इन लिस्ट में। जितना ज़्यादा आप ये डेली करेंगे उतना फ़ायदेमंद है, मगर थोड़ा करना है, ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम दिन में एक दफ़ा आप ये कर सकते हैं अपने सारे लिंक्स के साथ रोज़ाना के, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो मुझे आज फेस करने को मिली हैं। मैंने आज से 3 दिन पहले भी ये यूज़ किया, ये टूल यूज़ किया था तीनों, और मेरे जो इंडेक्सिंग थी वो काफ़ी लिंक्स हुए। मेरी डीए पहले वेबसाइट की थी 18, वो अब 19 हो गई। आज मैं आपको आज की डेट दिखा सकता हूँ जो मैंने सुबह नोट किया। मैं अपने माउस टूल पे आ गया, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी डीए कैसे बढ़ गई है इसके ज़रिए। यहाँ मैंने लिखा लिंक में अपना अपना लिंक एड्रेस लिखा है इधर। अच्छा, लिंक एड्रेस पे गया, ये देख सकते हैं आप 19 डोमेन अथॉरिटी मेरी 19 हो गई है, और 46 मेरी लिंकिंग डोमेन्स हैं, इनबॉर्न 4, 44 और फ्रैंकिंग कीवर्ड्स 14 है। ठीक है जी, मतलब मुझे आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा हो रहा है। तो आपने इसी तरीके से इसको इंडेक्स करना है, ठीक है, इन सारे लिंक्स को। यहाँ से आप कुछ और भी उठा लें कीवर्ड्स। अब ये कुछ फैशन की प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैं फैशन वाली प्रोडक्ट्स में ही ऐड करूँगा। थोड़ा सा रिफ्रेश किया इसको, मैंने यहाँ ऐड किया और यहाँ सेलेक्ट किया फैशन को। क्या यहाँ फैशन की कैटेगरी दी हुई है या नहीं? देखिए यहाँ फैशन हेल्थ एंड ब्यूटी है, मतलब वो फैशन में ही आता। एग्जैक्ट कोई नहीं थी, ये सब मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स थी, तो इनको मैंने इसमें ऐड कर दूँगा हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी में। अब ये वहाँ जाके पिंक करेगा इन सबको। नेक्स्ट हम लोग पहले से निकाल लें जो हमने और इंडेक्स करना है कुछ चीज़ें। कॉपी किया, एक मिनट जी, कॉपी किया इसको मैंने। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ ऐड कर दूँगा इन सबको। ये जी अभी तक हो रही हैं, पिंग हो रही हैं सब चीज़ें, सारे लिंक्स पिंग हो रहे हैं डिफरेंट ब्लॉग रीड्स के ज़रिए, और RSS का फीडबैक भी पॉजिटिव आ रहा है। तो फ़िलहाल आप ये चीज़ याद रखें कि आप इस मेथड के ज़रिए अपने इंडेक्स अपने बैकलिंक्स को जल्दी इंडेक्स करवा सकते हैं। ये गूगल को मजबूर कर देगा कि वो बार बार जाके पिंग करे आपकी साइट को और आपके जो रिमेनिंग बैकलिंक्स को इंडेक्स करे। जब तक ये होते हैं हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा गाइस, ये ज़्यादा नहीं यूज़ करना, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे ज़्यादा नुकसान भी है। गूगल इसको स्पैम कंसिडर करेगा और कंसिडर करेगा आपकी साइट को कि ये ज़बरदस्ती इंडेक्स करवा रहे हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, ठीक है, आपने उस पर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को,
तो आप काइंडली कर दें, क्योंकि इससे मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इधर चीज़ें ऐड कर दूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने फिर सेलेक्ट किया, कोई और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें फ़ायदा दे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये कर लें, या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कोई नहीं है मगर इंफॉर्मेशन की है, इंफॉर्मेशन में ऐड कर देते हैं इसको, पिंक करते हैं फिर बाद। चलिए दोबारा से कर रहे हैं, न्यू लिंक्स को इंडेक्स करें एक नई कैटेगरी में। तो गाइस ये चीज़ याद रखें कि मेरी जो थी वेबसाइट, ये मैंने सुबह इसको चेक किया, मैं आपको दिखाते हूँ। सुबह मैंने ये चेक किया है, ये स्क्रीनशॉट आप तो देख लें, 27 जून 2020 नीचे लिखा हुआ है, जहाँ मैं कर्सर हिला रहा हूँ, सेवन तकरीबन 7:39 PM पे जाके मेरी ये 19 डोमेन अथॉरिटी हो गई थी। जिन लोगों को यकीन नहीं आता, मैं इसी थंबनेल को आपको दिखाता हूँ अपने रिपोर्ट में, दिखाता हूँ डोमेन अथॉरिटी की। नीचे में आया आया आया, मेरी वेबसाइट पहले थी 18 पे, ये आप देख लें, 24 जून 2020 को मेरी ये नीचे आप टाइम और डेट देख लें, 10:08 PM 24 जून 2020 को मेरी जो डोमेन अथॉरिटी थी वो 18 थी। ठीक है, 49 मेरे लिंकिंग डोमेन्स थे और इनबाउंड लिंक्स 427 और रैंकिंग कीवर्ड्स 6। इससे मैं ऐड कर लेता हूँ अपना नई स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ पिक्चर्स में जाके। ये मैं अपने पास एक तरह से डाटा रखता हूँ, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये देखें जी, मैंने आज अभी रिसेंटली ऐड किया। 24 जून तक मेरी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 18 थी। कुछ दिन पहले मैंने पिंग करना शुरू किया रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए कि फ़ायदा भी होता है या नहीं, तो मुझे तो फ़ायदा हुआ है, 27 जून को मेरी 19 तक हो गई है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से ये कर सकते हैं। ठीक है जी, आप चाहें तो मैं जरा इसको डिलीट कर दूँ, मैं इसको सेव तो कर लिया। आप चाहें तो इसी मेथड को यूज़ करके अपनी डोमेन अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। अभी सारा मैं बताने का मकसद क्या है कि मेरी वेबसाइट जो है अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग के थोड़ा बहुत मुझे मिल रहा है इससे। अगर मैं आपको कल की पेमेंट्स दिखाऊं, क्योंकि मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, पानीर पे मेरे $25 आए हैं जो मैंने जून में शुरू किया था और जून के एंड में मुझे इन लोगों ने पे किया। वैसे 2 महीने का टाइम लग जाता है लॉकडाउन की वजह से, पता नहीं कैसे इन लोगों ने $25 सेंड कर दिए मेरे अकाउंट में। उसकी भी मैं आपको वीडियो लाइव दिखाऊंगा अपने फ़ोन पे खोल के, जो मुझे मेल है आई, या बल्कि इसी पे दिखा दूंगा आपको मैं, याहू मेल पे दिखा ही दूंगा आपको, एक बार बार वीडियो क्यों बनाऊँ मैं। इसका थोड़ा पासवर्ड याद करना पड़ेगा। चलें, फिलहाल मुझे पासवर्ड तो इसका याद नहीं आ रहा, मगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखा दूंगा अपने याहू मेल पे कि मुझे कल रिसीव हुई है। अभी मैं मोबाइल पे वीडियो तो बना सकता हूँ, मगर ये एक ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूँगा कि पायनियर ने मुझे क्या दिया इंडेक्सिंग करने से, और ये एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट में बनाने से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नहीं, सब आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो वेट करें आप, तो ये देखें जी, ये इंडेक्स हो गया लिंक्स। तो इस तरीके से आपने बस ये डिफरेंट पिंग सर्विसेज यूज़ करनी है अपने वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।